मूंग खरीदी केंद्र पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का अंदेशा, अमानक मूंग खरीद कर लगा स्टैक। माखनगर क्षेत्र में मूंग खरीदी के कुछ केंद्रों पर बड़ा भ्रष्टाचारी का अंदेशा है, जिसमें जानकारी के अनुसार समिति प्रबंधक, सर्वेयर और वेयर हाउस मालिक मिलकर नॉन एफ एक्यू मूंग खरीद कर रहे हैं। मूंग खरीदी केंद्र पर रात को 8 बजे तक मूंग खरीदी की जा रही है, जहां जो ट्राली वर्तमान में तौली जा रही है उनके स्टॉल भी नहीं लगे हैं, फिर उन्हें वेयर हाउस के अंदर समय रहते तौला जा रहा है। ये कहकर जब जैसे ही स्लॉट बुक होते हैं हम इस मूंग को चढ़ा देंगे। साथ ही कुछ समय पहले एक खबर के दौरान हमने बताया था कि 100, 200, 300 रुपये प्रति क्विंटल किसानों के लिए जा रहे हैं। वर्तमान में स्लॉट बुक नहीं होने के कारण किसान भी परेशान है। किसान हर तरह से परेशान होता जा रहा, मूंग के स्लॉट बुक नहीं हुए हैं, वही किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहा है। और दूसरी ओर किसान जो अपनी मूंग केंद्रों पर बेचने ले गए, उन्हें अपनी मूंग बेचने के लिए समिति प्रबंधक, सर्वेयर एवं वेयरहाउस मालिक को भी कमीशन देना पड़ता है। हालांकि LTC कंपनी जहां काम कर रही है वहीं पर वेयरहाउस मालिक का हस्तक्षेप कम ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं सहायक संचालक चेतन सिंह का कहना है कि खंड स्तरीय समिति जाँच कर रही है और FAQ होने पर पास होगा, उसके बाद WHOR जारी किया जाएगा और जहाँ अपने बताओ भावी जाँच करवा लेंगे, गड़बड़ी होने पर कार्रवाई होगी। खबर भारतवर्ष के लिए माखनगर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।